स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे साथ कोचिंग में। और जैसा कि आप लोगों के आखिर जाने का समय आ ही गया है, ठीक है, आप में से जो ज्यादातर जने हैं उनको 1 तारीख को भी बुलाया गया है, और बाकी भी आप अभी जैसे जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा होता जाए आप उसमें आप उसके लिए आप अपना एडमिशन लेते जाना। लेकिन आप जा रहे हो तो एक बात जरा मेरी भी आप सुनते जाना, जिससे कि आपको समस्या ना हो। मैंने हालांकि रैगिंग पर एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके की वहाँ समस्या यदि आपको फेस करनी पड़ जाए उसके लिए आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैं आपको उसमें लिंक दे दूंगा। वो जो मैंने रैगिंग और पढ़ाई से संबंधित क्या पढ़ाई होती है वो मैंने वीडियो जो पहले दे चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखी हो। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हों तो मैं आपको बता दूँ इस चैनल पर आप पाते हैं नवोदय से जुड़ी हुई सभी जानकारी A to Z। आप बिल्कुल यहीं और एकदम आप टेंशन फ्री हो गए, आप नवोदय जाइए, आपको मैं जो टिप्स बताएंगे आप उसका ध्यान रखना है। और मैं देखो अभी आपको मैं जो आज जो बताने जा रहा हूँ उस वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई मेरा पहला दिन कैसा रहा था नवोदय में, और आप उसी से अपने आप कंपेयर कर लेना। और आप अपना जब छुट्टियाँ आओ जरूर बताना कि आपका पहला दिन कैसा रहा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो आप यदि जा रहे हो तो प्लीज़ देखो आप जो सीनियर्स होते हैं वो उस स्कूल में पहले से रह रहे हैं, तो आप बेशक चाहे वो आपका सीनियर आपसे छोटे हाइट का है या आपसे कमजोर है, लेकिन आप उसको कभी कमजोर मत समझना क्योंकि उसके साथ पूरी क्लास साथ खड़ी होती है। तो इसलिए आप प्लीज आप अपने सीनियर से भाई बात कह के बात करना, भैया ठीक है ना, आप कह सकते हैं और उसको उसको बिना मतलब कि आप अपनी ताकत मत दिखाना। आप बेशक चाहे उससे बड़े हो लेकिन वो स्कूल में पुराना रह रहा है, उसके साथ एक बड़ी ताकत होती है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं जब मैं अपने घर से निकला था तो पूरा जैसा कि मेरा माहौल था घर में, मैं बता दूं कि उसमें मुझे अपने बॉक्स जो मैंने लिया था उसमें ये रख ये भी रख ये भी रख, मैंने एक सामान ले जाने का भी मैंने वीडियो बनाया कि क्या क्या आपको सामान ले जाना है, तो इसलिए आप अपना कोई सामान भूल ना जाए इसलिए उस वीडियो को आप देख लेना, उसमें मैंने सभी सामान की लिस्ट बनाई लिस्ट दी है, ठीक ना। तो मेरा भी उसमें एक बड़ा वो लेके जाओ वो ये भी रखो, कोलगेट रह गया है आपके, ये रह गया है आपके, एक पेंसिल भी लेनी है, एक रबड़ भी लेनी है, पूरा मैं एकदम दिमाग में ये चल रहा था कि मेरा कोई भी सामान भूल ना जाए। लेकिन उससे परे एक जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो था कि यार मैं इन सब को छोड़ के भी जा रहा हूँ, मैं इन सब को छोड़ के 7 साल के लिए जा रहा हूँ। लेकिन क्या 7 साल के लिए जाते हैं? इसके लिए भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं कि छुट्टियाँ कब कब मिलती हैं यदि आप नए हैं, तो मैंने वो भी वीडियो आपको दी है कि छुट्टियाँ कब कब मिलती हैं। और अगला जो वीडियो मैं देने जा रहा हूँ वो आपको होगा कि फीस क्या क्या होती है नवोदय में, ठीक है, क्योंकि फीस भी होती है, ये बस सोचना कि फ्री है, फीस होती है, ठीक है। तो जब मैं उसके लिए मैं जा रहा था तो बड़ा एक दिमाग में ये था कि भाई यार कैसा होगा, है कैसे लाइफ कटेगी, कितना कैसा होगा, तो ये सब दिमाग के चलते उसमें मैं लगातार अपने दिमाग को अब अगले दिन आखिर वो दिन आ ही गया था कि जब मुझको नवोदय के लिए वो जो मेरे पापा ने वो जो एक टैक्सी करी थी वो जब घर के बाहर खड़ी हो गई तो लगा यार आखिरकार अब जाना ही पड़ेगा। हैं एक बार वो तो कभी कभी आता था कि यार मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैं कुछ करना है तो जाना है, ठीक है। तो अब मैं वहाँ से मतलब कि अपना सामान हमने लेके हम सीधे नवोदय पहुँच गए। आपको तो शायद नहीं मंगाया गया, हमको एक पेड़ भी मंगाया गया था, उस पेड़ के लिए हम नर्सरी ढूंढते डोले थे कि भाई कोई नर्सरी मिल जाए क्योंकि भाई एडमिशन का मामला है, कहीं कैंसिल ना कर दें कि ये हमारे अंदर डर होता है, हैं। एक हमसे कसला भी मंगाया था, फावड़ा, एक खुरपी भी मंगाई थी, हैं। तो उसके लिए हम लोग लगातार एक दिमाग में लिए हुए हम नवोदय पहुँच गए। लेकिन अभी मन में यार एक बड़ा उतावलापन सा था लग रहा था, एक तो ये भी थी कि भाई नवोदय में जा रहे हैं तो यार वहाँ कैसा माहौल होगा, लेकिन एक यार ये भी हमको पीछे को खींच रहा था कि यार घर छोड़ के आ रहे हैं वो कैसा होगा, हैं। तो मेरे साथ गए थे, मेरा पूरा परिवार गया था, ठीक है ना, तो सभी लोग मुझको छोड़ने वहाँ गए थे। और मुझको जब जैसे ही वो बहुत सुबह हम 10 बजे पहुँच गए थे और 10 बजे पहुँचने के बाद हमारा कहीं जो हमें हॉस्टल मिला था वो दोपहर के 1 बजे वो हमको मिला था हॉस्टल। अब जब जैसे जैसे समय बीत रहा था 10 बजे के बाद से तो एक बड़ा मन में एक कठोर वो आ रहा था कि भाई कैसा कैसे रह पाएंगे, हैं। तो अब हम आखिरकार हमें हॉस्टल मिल गया और हॉस्टल के लिए मेरे पापा वो मेरा जो बॉक्स था और जो हमारे अंकल जी एक साथ में गए थे और ताऊ जी जो थे वो लेके वो वहाँ के लिए हॉस्टल के लिए चल दिए। अब हॉस्टल जैसे ही वो खोला उसमें 120 बेड और ये सब देख के बड़ा अजीब सा लगा है कि क्या कबूतर कबूतर खाने में से आ गए,
है जहां एक साथ ही दिन सब रहेंगे, एक ही कमरे में 20-20 जने रहेंगे। अब दिमाग पूरा काम करना बंद कर रहा था, लेकिन इच्छा थी कि भाई जाना है। मुझको ये नहीं था कि मुझको वापस आना है, नहीं जाना है। तो ये देख लीजिए, मैं जब गेट पे से, पापा ने कहा कि भाई चलो चलते हैं ठीक है हॉस्टल के लिए, तो मेरे वहां पे मुझको जो एक बेनिफिट मिला था, मुझको ये था कि मेरे एक पहले से ही, मेरे जो गांव थे, जो मेरा गांव है, उस गांव के पहले से ही वहां पे एक भैया रहते थे और वो उस समय 8th क्लास में थे, तो वो मुझको पिकअप करने आ गए, वो मुझको लेने आ गए। और जब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा कि चल आज तुझे नवोदय घुमाता हूँ, मैं हॉस्टल में चला गया। हॉस्टल के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझको स्कूल में घुमाने ले गए। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे माँ बाप कहीं भी हैं या नहीं, बस पापा कहने आए थे कि हम लोग जा रहे हैं। हालांकि मम्मी रो रही थी, लेकिन अब मैंने उनको नजरअंदाज करा। क्यों? क्योंकि यदि मैं नजरअंदाज नहीं करता तो वो शायद छोड़ नहीं पाती। तो इसलिए आप भी मतलब साथ में रहना है आपको, तो भाई आपको तो छोड़ना पड़ेगा तेल। देखो उसमें कहा गया ना कि वो काक चिलचा गिरे त्यागी, ये वाली जो एक कहावत है उसके लिए आपको करना है ठीक है। तो आप अच्छे से उसको करिए और आप उसके लिए अपना जो भी होगी और भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं ठीक है। थैंक यू वेरी मच।